इस स्पीकर की खूबियां हैं जो मैं अभी आपको गिनाने जा रहा हूं, ठीक है, बाकी स्पीकर से कुछ हटके है। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? सॉरी मैं कर लेता अपने हाथ को सैनिटाइज। और सब कैसे हैं? मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मेगा ऑफर, नॉट ओनली ऑफर, रिव्यू, साउंड टेस्टिंग, अनबॉक्सिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस, और इसको किस कुछ भी कह सकते हैं, मतलब पूरा आपको पूरा उसमें मिलेगा आपको सारा कुछ डिटेल। हमारे चर्च के लोगों के लिए, मंदिर के लोगों के लिए, मस्जिद के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हम लगभग सप्लाई हर जगह कर रहे हैं डीजे वाले मेंबर्स के लिए। वेलकम टू द बीज इंडिया, ठीक है। तो मेरे पास ये मॉडल है SRX आहूजा का 100 वाट्स वाला स्पीकर, मैं सब अनबॉक्स कर चुका हूँ और एक मैं ऑफ़र में इसीलिए सारा कुछ उठा के लाया हूँ। मैं एक ऑफ़र देने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है, मतलब मज़ेदार ऑफ़र है ये है ऑफ़र। वो तीन आइटम इसमें मिलने जा रहे हैं आपको, इस तरह के बॉक्स में ये आता है, ठीक है। तो आप इसको पैर के साथ भी ले सकते हैं या सिंगल भी ले सकते हैं। दिस इज़ द आहूजा 100 वाट्स SRX 120 DXM स्पीकर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। मतलब इस स्पीकर की खूबियां हैं जो मैं अभी आपको गिनाने जा रहा हूं, ठीक है, बाकी स्पीकर से कुछ हटके है, ठीक है। इसमें साउंड टेस्ट भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं और साथ साथ आहूजा का जो ओरिजिनल एम्पलीफायर के साथ मैं इसे चेक करके दिखाऊंगा, इसका इंटरनल कैसे दिखता है, लुक वाइज में कैसे लगता है, और आहूजा का ब्रांडेड माइक है ये भी मैं देने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर होगा। तो आप इस चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब बन लें और बने रहिए, ठीक है। आहूजा का माइक, आहूजा का स्पीकर, आहूजा का एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया माइक है, कॉर्डलेस माइक है, इसमें हैंड माइक भी आ जाता है और हेड बैंड भी आ जाता है, जैसे सिंगर्स होते हैं स्टेज के लिए होते हैं, जागरण के लिए, उसके लिए, चर्च के लिए, उसके लिए, पास्टर्स के लिए काफ़ी काम आता है। तो ये है एम्पलीफायर का बॉक्स अनबॉक्सिंग। मैं अनबॉक्सिंग पहले कर चुका हूँ, ये सिर्फ स्पीकर का अनबॉक्सिंग, और साथ साथ इसमें मैं देने जा रहा हूँ ऑफर। ये SSD 250 DP है, ठीक है, DP मतलब डिजिटल प्लेयर। एक आता है बिना DP प्लेयर का, डिजिटल प्लेयर का, वो थोड़ा सा 1000 रुपये सस्ता होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ये मैं सबका अनबॉक्सिंग कर चुका, अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और आईलिंक को फॉलो करते रहें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो ये सब कर देता हूँ मैं एक तरफ। सो आहूजा का कम्बो ऑफर के साथ साथ सबसे पहले मैं स्पीकर को मैं दिखाता हूँ और इसको कैसे आहूजा ने डिज़ाइन किया ये भी आपको बताता हूँ। इसमें बेस भी मिलेगा, ये इसमें आपको बेस तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर स्पीकर है जो ड्यूल कोन का है, ड्यूल कोन स्पीकर कहते हैं इसे, और ऊपर एक HF मिल जाता है शार्प जिसमें मिलता है, बहुत ही अच्छा गजब का ट्विटर, इतनी आवाज़ फेंकता है। इसको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ खोल के, अधिकतर मैं आपको कॉइल वॉइल भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। पीछे से देखेंगे आहूजा का इस तरीके से ब्रांडिंग हो जाता है, मॉडल SRX 120 DXM 100 वाट्स, 55 to 20,000 Hz और 8 ohms, 4 ohms, 8 ohms, सब आपको पता होगा, अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक तार लगा दिया मैंने कॉम में, एक लगा दिया मैंने 8 वॉक्स, ठीक है। तकरीबन आप 150 से 200 लोगों के लिए एक स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 6.5 mm का स्पीकर अगर आपके पास है, एक और स्पीकर, और आपके पास वायर है, तो आप इस तरीके से दोनों स्पीकरों को 6.5 mm केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब तार लगाओ, स्क्रूडर लगाओ, घुमाने फिराने वाला काम झंझट सरदर्दी खत्म, सीधा लगाओ पिन और काम खत्म। देखिए इसका जो फिनिशिंग जो है ना, बहुत ही बेहतरीन है। आप अगर देखिए इस तरह ब्रैकेट मिल जाता है, ठीक है, आपको एक ब्रैकेट मिल जाता है, ये देखिए पीछे देखने में इस तरीके से, मतलब पहले के स्पीकर काफ़ी बड़े टाइप होते थे, काफ़ी वेट होते थे, लेकिन इस बार का इन्होंने कर दिया वेटलेस। और साथ साथ इसके चारों तरफ एक इस तरह के प्लास्टिक मोल्डिंग एज दे दिया गया है, ताकि आपका स्पीकर घिसे ना, गीला ना हो, मिट्टी ना लगे, ठीक है। और जब भी आप इसको उठाते हैं तो इसमें ये आप ये ग्रिपनेस थोड़ा, और साथ साथ हैंड पिक के लिए एक आपको हैंडल करने के लिए, उठाने के लिए, रखने के लिए, अनलोडिंग लोडिंग करने के लिए इस तरीके से एक हैंडल दे दिया गया है दोनों तरफ। और ये प्लास्टिक फाइबर लोहा मिक्सड है, मतलब इसको हम प्लास्टिक भी नहीं कह सकते पूरी तरह से, और ये जाली तो है ही लोहे की, और बहुत काफ़ी अच्छे लोगे, ठीक है। ANI लिखा होता है, कभी कभी आहूजा करके ब्रांडिंग लिखा होता है ऊपर इस पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है देखने में लुक। साउंड टेस्ट भी मैं करके दिखा दूंगा ताकि आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर आप इसे परचेस करें। इंटरनल में आपको खोल के दिखाता हूँ, लगभग इसका कलर जो है मेट ब्लैक, इसी कलर में आता है और किसी भी कलर में नहीं आता। जाली आप देखेंगे तो ये थोड़ा जाली जो है स्ट्रॉन्ग देता है ये आहूजा, ठीक है। ऊपर का जो वुड है थोड़ा सा हार्डवुड
वुड है, मतलब ये जल्दी मतलब बारिश में गीला भी नहीं होगा, और इसका जो मेट जो है ना, मैट जो ऊपर दिया हुआ है, जो ये जो कारपेट जो है, काफ़ी कारपेट जो हल्के और सस्ते वाले होते हैं, ये जो रुआ जो उसमें निकलता रहता है, उसमें जो ना इसमें से निकलता रहता है, और वो धागा निकल निकल के मतलब बेकार हो जाता है कुछ दिनों में, उसमें से रुई जो है निकलती रहती है। लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी इस तरीके से, ये पर्दा ना फटेगा ना कुछ होगा, और मतलब बिल्कुल अच्छे से चिपका पड़ा है, मतलब कभी किसी ने मैंने देखा बहुत कभी कभी ढीले डाले होते हैं, तो इसका मुझे फिनिशिंग लेवल में जो बहुत पसंद आया। आप ऊपर से भी उठा सकते हैं, नीचे भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ये एक फाइबर और प्लास्टिक तरीके का है, तो काफ़ी दिन मतलब ये चलेगा लॉन्ग लाइफ। कुछ कुछ हैंडल मैंने ऐसे देखे हैं, उठाया तो मुड़ जाते हैं, ये ऐसे इतनी जल्दी नहीं मुड़ेगा, और जैसे गिर भी जाता है ना तो स्पीकर इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से इसका फिनिशिंग डिज़ाइन आप इसको देखेंगे तो इसका ना जो शेप है, मतलब बॉक्स टाइप नहीं, डब्बे टाइप में नहीं है, जैसे गलती से लोडिंग करते समय गिर जाता है गाड़ी से नीचे, उठाने के लिए मतलब इसको मतलब डिज़ाइन किया गया है कि मतलब कोई भी आसानी से इसको उठा के ले जाए और रख दे। तो सबको पता है आहूजा की सामान, आहूजा के जितने भी जो हैं सब मतलब बेहतरीन होते हैं, उम्दा होते हैं, आहूजा के एम्पलीफायर हो चाहे माइक हो, JBL का मेरे पास स्पीकर है जो उसके साथ मैंने चला, लेकिन मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ मैं आहूजा का ओरिजिनल एम्पलीफायर, आहूजा के 120DXM और 100W स्पीकर में किस तरीके से अफेक्ट करता है। और एक मैं आपके सामने बताता हूँ, स्ट्रेंजर के साथ मैं स्पीकर को चेक करूँगा कि देखते हैं कि आहूजा में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है या स्ट्रेंजर में ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे जैसे कंपनी होती है थोड़ा सा हो सकता है अलग हो जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और एक ऑफर मैं बार बार मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है, वैसे मैं पैर के साथ ये दूंगा, अलग से तो दूंगा नहीं, लेकिन मार्केट से इतना आप सोच नहीं सकते, मार्केट में 7,000-6,500 और मैं दे रहा हूँ सिर्फ 5,500 का, ठीक है, तो आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू पता कर सकते हैं। लेकिन एक एक स्पीकर इतना ज़बरदस्त आवाज़ होता है, कभी कभी लोग इतने बड़े बड़े स्पीकर रखते हैं आवाज़ लेते हैं, इस स्पीकर की खासियत इस तरीके से आहूजा ने इसे डिज़ाइन किया है, एक स्पीकर माने दो स्पीकर आपने लगा दिया तो तकरीबन 400-500 लोगों को अच्छी तरीके से आवाज़ फेंक सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो होता है। एक एक स्पीकर का जो आहूजा बताता है 100 वाट्स और 100 जने का वो जो 100 पीपल बताता है कि मतलब, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक स्पीकर तकरीबन 150-200 लोगों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ, स्पीच के लिए ये स्पीकर बहुत ही बढ़िया है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, आप DJ पर्पज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे चर्च के लिए, सत्संग के लिए, मंदिर के लिए, गुरुद्वारा के लिए ये स्पीकर सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना जो मतलब जो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उन लोगों की आवाज़ जितनी क्रिस्पीनेस स्टेज के सामने और पास में सुनाई देती है, वैसे ही ये स्पीकर और इस मॉडल में आपको तकरीबन 0.5 किलोमीटर तक आपको ऐसा ही आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। यस, आप जैसे चर्च में जैसे पैड यूज़ करते हैं, जगराता में पैड हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, कीबोर्ड जैसे लगते हैं, तो उसमें जो साउंड इफेक्ट जो होता है ना, जैसे कीबोर्ड में जैसे बज रहा है, ढोलक बज रहा है, ढोल बज रहा है, ड्रम्स बज रहा है, ऑक्टापैड बज रहा है, तो उसकी आवाज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये स्पीकर निकाल के देता है। लेकिन एक बात है कि ये ज़्यादा बेस स्पीकर नहीं है, ज़्यादा बेस इसमें नहीं मिलेगा, ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन आवाज़ आपकी फटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, इतनी साफ आवाज़ इस स्पीकर में आपको मिलती है। कुछ कुछ स्पीकर होते हैं जो सिर्फ धुम 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 करके धप 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 करके आवाज़ आती है, लेकिन मैं बताता हूँ आप बुरा ना माने, इस तरह की आवाज़ कुछ कुछ स्पीकरें करती हैं, लेकिन मिक्सर वाला क्या करता है बेचारा, वो कभी बास बढ़ाता है, कभी मैं कह रहा हूँ जरा तुम्हारा स्पीकर ही ख़राब है, आप स्पीकर बढ़िया लीजिए ताकि आपकी आवाज़ क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पब्लिक तक पहुँच पाए, चाहे वो जागरण हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे स्कूल का फंक्शन हो, ऑडिटोरियम हो, स्पीकर आप इसको उठा के लाइए और सबसे ज़्यादा इसका आउटपुट बढ़िया मिलता है, ठीक है। चर्च के लिए मैं बार बार चर्च इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पर हमेशा मतलब एक ऑर्केस्ट्रा रहती है, जैसे गीत बजाने वाले और गिटार बजाने वाले, ड्रम पैड बजाने, तो मैं इसलिए बार बार चर्च ही कह रहा हूँ, बाकी जगह तो ज़्यादा नहीं देखे मैंने, लेकिन चर्च में हमेशा एक बैंड टीम रहता है, तो उसके लिए ये स्पीकर क्या है कि सबके लिए बढ़िया है, चाहे भाषण दे रहे हैं पास्टर जी तो उनके लिए भी अच्छा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर म्यूजिक है, मेरे पास इस तरह का मिक्सर है साउंडक्राफ्ट 16 चैनल 22 चैनल इतने सस्ते में मेरे पास, एक्चुअली हमारा फैक्ट्री से सामान उतरता है और डायरेक्ट हम फैक्ट्री रेट पे देते हैं, डीलर रेट पे नहीं देते, डीलर क्या करता है 2,000 रुपये से मार्जिन रखकर बेच देता है 3,000 रुपये। लेकिन मैं साथ आपको एक भी बताता हूँ, आप मिक्सर हमेशा इस तरीके से लीजिए जितनी ज़रूरत है,
जैसे आपको 10 लोग अपना प्रोफेशनल कलाकार हैं, 20 लोग कलाकार स्टेज पे, तो बड़ा मिक्सर लीजिए। मिक्सर का काम सिर्फ मात्र यह है कि जैसे ज़्यादा माइक लगाना है, ज़्यादा इनपुट देना, तो मिक्सर ज़्यादा लंबा और बड़ा लीजिए। कई लोगों को पता ही नहीं है, मिक्सर बड़े बड़े मिक्सर लेकर बैठ जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से मैं आपको इस ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये ऑफर साथ साथ मैं आप देखते रहिए। 32,000 का ऑफर है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 28,000 से 29,000 में। दिस इज द अनस्क्रीन और ऑफर है जो SRX120DXM 100 वाट का स्पीकर है। इस जाली को मैं हटाने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सारे स्क्रू हटा देते हैं, तो जाली आप ना निकालें, अगर आपको तजुर्बा है तो निकालिए। स्पीकर जैसे चला जाता है तो इस तरीके से स्पीकर के सारे, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें देखिए कितने सारे, ये देखिए आवाज़ देखिए, इसको दबाए ना ये पर्दा फट जाएगा। तो ये मैं इसलिए आपको इसलिए क्लोजअप दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए कितना सारा, मतलब इसमें एक एक वो बना हुआ है। जितना ज़्यादा इस तरह का पेपर बना होगा, पेपर, उतनी आपको धमक भी देगा, आवाज़ भी शार्प देगा। और ये है आपका ड्यूल कोन, जो आवाज़ शार्प निकाल के, मिड निकाल के देता है भाषण में, बात करते समय। ये देखिए आपको बहुत ही शार्प तरीके से, जैसे जो जो जैसे जो बड़े बड़े, मतलब आपको मैं इसको मैं शब्दों से मैं बयान नहीं कर पाता, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, आई मीन बहुत ही मतलब सुंदर आवाज़ और मतलब बेहतरीन साउंड के लिए, क्रिस्पी साउंड कह सकता हूँ मैं, एक शब्द है क्रिस्पी साउंड। और मिड इतने साफ शब्द सुनाई देगा आपको इस अगर आप कहीं दूर से हैं तो पेयूनो बीज इंडिया जेम्स वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, ऑफर ले सकते हैं। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, 9500800773 में आप व्हाट्सअप करें, 9500। मैं सभी डीजे मित्रों को मैं धन्यवाद करता हूँ, सब्सक्राइबर को धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप व्हाट्सअप करके पता करें, कॉल ना करें, और हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स हैं। तो जनाब कॉल करने से पहले आप निश्चिंत होकर आप कॉल सकते हैं, सामान ले सकते हैं, बिल्कुल चेक करके भेजते हैं, बिल के साथ, बॉक्स के साथ, वारंटी के साथ, ठीक है। मैं आपसे विनती करता हूँ, जब तक सेफ रहे, सिक्योर रहे, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।